तो इसमें कोणार्क का इतिहास नष्ट होगा। ये मंदिर को बनाने के लिए 40 करोड़ सोना का सिक्का खर्च हुई। ये भक्त लोग की मंदिर है और भगवान पीछे, जितना भी शत्रु आ जाएगा कलिंगों का आक्रमण करने के लिए स्टेट लोग है। सुनिए, ये जहाँ जहाँ जो प्लेन पत्थर है, जिस पत्थर पे कोई नकाशी नहीं है, डिजाइन नहीं है, ये सब नया बनाया। ये साइन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी बनाया, क्योंकि ये टूट गया तो आजकल का कारीगर ऐसे नहीं है, ऐसा मिला नहीं पाएंगे इसे इसका साथ, तो जैसे समझ जाएंगे वो दोबारा बनाया गया, तो इसमें कोणार्क का इतिहास नष्ट होगा। अच्छा, समझ में आया, तो इसलिए ऐसा बना नहीं, सब प्लेन कर दिया, क्योंकि बना नहीं पाएंगे इसे। अच्छा, डिजाइन पत्थर, पत्थर प्लेन पत्थर। जी हाँ जी हाँ, ये खंडोलाइट स्टोन है, सेडिमेंटरी रॉक्स। तो देखिए, ये मंदिर को बनाने के लिए 40 करोड़ सोना का सिक्का खर्च हुई। ये पत्थरों को लिया गया हिल एरिया से, ये कोस्टल बेल्ट है, बड़ा बड़ा पेड़ काट के लकड़ी को मिला मिला के बांध के इसका ऊपर पत्थर रख के पानी के ऊपर तैराते तैराते लेकर मंदिर को बनाया। ये हिल एरिया से कलेक्ट किया गया। तो 40 करोड़ सोने का सिक्के खर्च हुई, कभी भूकंप होगा मंदिर गिर जाएगा। हमारा पुराण मानते हैं, माइथोलॉजी कहते हैं, हमारा तीन लोग हैं, स्वर्ग मर्त्य पाताल। स्वर्ग में भगवान रहते हैं, मर्त्य में मानव सारी, पाताल में नाग रहते हैं। नाग राजा वासुकी है, वासुकी हमारा धरती को पकड़ के रखा माथे पे, हिलाएगा भूकंप होता है, भूकंप से बचाने के लिए चारों तरफ ऐसे नागकन्या फैलाई, नागकन्या दिया गया, तो ताकि ये मंदिर पे कभी भी भूकंप नहीं होगा, वो लोगों का फीलिंग है, फीलिंग मान्यता है। जी हाँ, तो अभी तक भी नहीं हुआ, वो तो बात अलग है। ये पहले रिवर था नदी, जिस नदी का नाम था चंद्रभागा, समुद्र भी पास में था, समुद्र अभी दूर चला गया 3 किलोमीटर। ये नदी का महत्व क्या है ना, द्वापर युग में कृष्ण भगवान के बेटा था, जिसकी नाम था सांब, जाम्बवती से पैदा हुए थे। सांब को शराब से कोड़ हुई, कोड़ों से मुक्त होने के लिए नारद महर्षि ने कहा, चंद्रभागा नाम का एक नदी है, अगर चंद्रभागा नदी पे सांब ने नहान करके अगर सूरज पूजा कर पाएगा तो रोग मुक्त हो जाएगा। सांब ने इसी एडवाइस को लेके यहीं आया, इधर आया, यहीं एक आश्रम था पहले, मैत्रेय ऋषि के आश्रम है, द्वापर युग में मैत्रेय ऋषि थे। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में रह के डेली इसी पानी में, चंद्रभागा का पानी में नहान करके, सूरज पूजा कर करके रोग मुक्त हुई थी। जिस कहानी को लेके राजा ने पर्टिकुलर इस नदी का गर्भ में ये सूर्य मंदिर बनाया। तो राजा नरसिंहदेव सूर्य मंदिर क्यों बनाया, ये और एक इतिहास है। तो सूर्य मंदिर बनाने का पीछे इतिहास क्या है ना, राजा नरसिंहदेव ने 1238 एडी में कलिंग का राजा हुआ, 1283 साल में उनका रूलिंग पीरियड था, 1238 to 1264। तो 1238 साल में, जिस साल में उन्होंने राजगद्दी में बैठा, उनका सत्ता का लड़ाई हुआ, कल आया वार, तो वार का नाम था कटासी वार है। कटासी वेस्ट बंगाल का अंतर्गत के स्थान है, जिस स्थान में युद्ध संगठित हुआ था नरसिंहदेव के साथ। बंगाल का नवाब थे मोहम्मद तुगरिन तुघन खां, मोहम्मद तुगरिन तुघन खां का साथ मुलाकात करने के लिए राजा ने अपना कलिंग सेनानी को लेकर वेस्ट बंगाल हावी हुआ। तो राजा नरसिंहदेव की माताजी का नाम था कस्तूरी देवी। कस्तूरी देवी ने सूर्य उपासिका थे, उन्होंने सूर्य भगवान को मांगा, हे सूरज भगवान, मेरा एक ही बेटा है नरसिंहा, युद्ध करने के लिए कलकत्ता गया, अगर लौटेगा मेरा गोद को वो बेटा को कह के एक बड़ा सूर्य मंदिर बनाएंगे। तो रानी आने का बाद माँ ने इंस्पायर किया मंदिर बनाने के लिए, राजा ने माँ का एडवाइस मान के ये स्थान को चुना, किस लिए ना, सांब की सूर्य पूजा को देख के। तो सांब ने 5000 साल पहले ही सूरज पूजा कर लिया था, तो इसलिए स्थान नदी का ऊपर सूर्य मंदिर बनाए। फाइनेस्ट व्हील है, 24 व्हील रहता है ये रथ में, तो ये सबसे फाइनेस्ट है, ये इम्पैक्ट वन। ये सारी व्हील टूटा मोटा ही है, देखिए टूट गया प्लेन हुआ, हेलो टूट गया प्लेन हुआ, इसका कोई अंश टूटे नहीं। अच्छा, 8 प्रहर होता है, दिन में 4 प्रहर, रात की 4 प्रहर है। ये दिन का 4 प्रहर देखिए और रात की 4 प्रहर है। सुबह सुबह के औरत लोग उठ के अंगड़ाई ली, अंगड़ाई नहान करने के लिए गई, दोनों दासी कपड़ लेके खड़ी है, घोड़े पर बैठ के घूमने के लिए बाहर चल पड़ी, शीशा लेकर श्रृंगार की मेकअप। ये हो गया दिन की 4, ये हुई रात की 4, जीवन चक्र इसके नाम है, लाइफ साइकिल। देखिए, और कोई बनाने वाले नहीं है, ऐसा डिजाइनर दोबारा आने वाला नहीं दुनिया को, धरती को नया पत्थर है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, है प्रेयर हॉल ऑफ ऑडियंस। ये भक्त लोग इधर बैठने वाला, ये भक्त लोग की मंदिर है,
और भगवान पीछे। देखिए कलिंगा नाट है, पहले नाट्य मंडप, नाट्यशाला, भोग मंडप, भोग मंडप, इसके बाद जगमोहन पड़ता है, प्रेयर हॉल कहा जाता है, भक्त लोग बैठेंगे। ये इंडियन माइथोलॉजी में भक्त आगे है, भगवान पीछे है, ये भगवान का मंदिर, पीछे भगवान, ये भक्त लोग बैठेंगे। ये मंदिर पहले खोला था, मैंने जैसे कहा सूर्य रोशनी ये मंदिर के अंदर होके जाता था पीछे, अभी इसके अंदर पत्थर से भरा हुआ है, किसने भराया ना, जब अंग बंग कलिंग एक ही था, गवर्नर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जय वडिलन, वो आके अंदर में पत्थर रेती भर के ठोस बना दिया मंदिर को। ये घोड़ा का गेट है, दोनों घोड़ा पहले ही थे, ये घोड़ा दोनों को लेके उधर बैठे हैं। देखिए ये सिंपल घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा वॉरियर हॉर्स है, युद्ध का घोड़ा। ये घोड़ा का पैर का नीचे एग्नेस्ट दैट हॉर्स लेग देर इज ए सोल्जर सर, तो एक सोल्जर को दबा के ऐसा रखा है, ये शील्ड ढाल पकड़ा है ना, इसको दबा दिया ऐसा, क्यों सोल्जर ने ढाल पकड़ा है वो घोड़ा इसको दबा दिया ऐसा क्यों ना। वी हैव नाउ 3 बैटालियन एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी फोर्स, दैट टाइम ऑल्सो द किंग हैड सच कैवलरी घोड़े का सेना, राजा प्रूव किया मेरा घोड़े का सेना इतना पावरफुल है, जितना भी शत्रु आ जाएगा कलिंग को आक्रमण करने के लिए मेरा घोड़े का सेना ऐसा हालत बनाएगा। समझ में ये बनाएगा इसको, ये हमारा उड़ीसा का स्टेट लोगो है, रीजनल सिंबल जी ते हैं, बड़े बड़े तस्वीर करके दिखाते हैं दुनिया वालों को, मगर राजा नरसिंह देव ने मंदिर को बनाने के लिए 40 करोड़ सोने का सिक्के खर्च किए थे, तो हाउ लिटिल पोस्टर दे आर। राजा रानी की देखिए, राजा रानी, राजा रानी किंग एंड क्वीन, उनका तस्वीर है। अच्छा, उनका आधा पोर्शन जी हाँ टूट गया, हो सकता है इसको तोड़ दिया गया, कोई तोड़ दिया होगा, कोई शत्रु तोड़ दिया होगा, तो छोड़िए वो बात। ये देखिए सेकंड स्कल्पचर को आइए, एक पेड़ पाएंगे, पेड़ का नीचे देखिए हाथी के ऊपर हमारे राजा ने बैठे हुए हैं, हाथी का मुंह तरफ आगे बढ़िए कि जिराफ खड़ी है, देखिए कर्नर पे जिराफ कहाँ मिलता है, सिर्फ अफ्रीकन कंट्री में। तो अफ्रीकन कंट्री का जिराफ 13th century में यानी 800 साल पहले ये कोणार्क मिट्टी को आया कैसे, तो हो सकता है। तो हिस्टोरियन कहते हैं, हम सबको मालूम है वास्को डी गामा सेलर ऑफ पोर्तुगीज फर्स्ट डिस्कवर्ड द इंडिया वाटर रूट इन 1498, बट बिफोर 200 ईयर्स हाउ जीरा पॉसिबल हियर। सो हिस्टोरियन सेज मे बी ग्रेट ट्रेड और रिलेशनशिप विथ अफ्रीका एंड कलिंगा देन, तो मे बी अफ्रीकन किंग गिफ्टेड ए जीराफ टू अवर किंग। समझ में आया, ये देखिए विश्वामित्र ऋषि का तप भंग हुई, तो मुनि नाच मति भ्रम, मुनि रुचिया का मति भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं, कंसेंट्रेशन लूज हो जाते हैं, जिस तरह मेनका उर्वशी ने किए थे। कर्नर पे देखिए एक ओल्ड पर्सन है, हैविंग सम वेल्थ ओवर हिज हैंड, कुछ धन उठाकर रखा, तीनों यंग लेडी को यूज करता है, धन को देखकर कुछ चकमा दिखाने वाला है। इसका ब्रोकन टीथ देखिए, यहीं से 5 meter डिस्टेंस में एक तस्वीर है, जो तस्वीर का जो मूर्ति का ब्रोकन टीथ भी यहीं से दिखाई देते हैं। तो कितना एक्सपर्टर थे वो कलिंगन आर्किटेक्चर, हाथ में क्या मैजिकल पावर था जी हाँ। ब्रोकन टीथ 6 व्हील है, मैग्निफिशियन आर्किटेक्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, कोशिश करते हैं बनाने के लिए कलम कागज लेके, मगर अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लेकर बना नहीं पाते अभी, मगर जो पेन पेपर में बना नहीं पाते हैं वो पत्थर की सेडिमेंटरी रॉक्स का ऊपर कैसे बनेगा। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने एक पहिया का छाप को एक नोट पे रखा है, 20 रुपये का नोट, पुराना 20 नया 10, नया 10 पुराना 20 में पहिया पाया। ओनली टेम्पल कोनार यू कैन फाइंड सम आयरन क्लिप टू बाइंड द स्टोन्स टुगेदर, लोहा का क्लैंप यूज किया गया, लोहा का क्लैंप आयरन क्लिप से जोड़ा गया पत्थरों को, देखिए सीमेंटमेंट कुछ सवाल नहीं है, हाँ दोनों पत्थर को लोहा का क्लिप पे जोड़ा गया। ये नरसिंह अवतार है, हिरण्यकशिपु को मारते हैं, गणेश सरस्वती गणेश लक्ष्मी, ये सत्ययुग है, दिन चला जाएगा, पक्ष चला जाएगा, युग भी अंत हो जाएगा, मगर सूरज रहेगा। समझ में आया, आइए ये देखिए, ये इंतजार की तस्वीर देखिए, हो सकता है ये एक भावना है, थिंकिंग है। तो 1200 कारीगर हैं कैदी बना दिए थे राजा ने, राजा की ऑर्डर था 12 साल तक यहीं की सबको रहना है, तो अगर घर जाएं तो कंसंट्रेशन लूज हो जाते हैं, तो इस माया में चला आते हैं अफेक्शनरी से, तो इसलिए इसको कैदी जैसा रखा था, उनका भावना था हम तो यहीं है, हो सकता है हमको ऐसा इंतज़ार करता होगा। ये आर्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक आर्ट है, मतलब 1200 कारीगर जी हाँ जी हाँ जी हाँ